गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। तो आपने देखा था, कहानी सुनने के लिए भी हम साथ साथ गए थे, क्योंकि हमारे में क्या होता है, गली में से जिस जिसका घर पहले पड़ता रहता है वो उसे बुलाता रहता है। और अब हमने कहानी वगैरह सुन ली है, अब जा रहे हैं हम घर वापस, क्योंकि फिर घर पर भी पूजा की तैयारी करनी रहेगी, शिवम वगैरह भी आने वाला है। और आप सब बताना ज़रूर कि आपको मेरा पिछला वाला व्लॉग तो बहुत ही ज़्यादा कमेंटिंग रहा, बहुत अच्छा लगा मुझे ये सब देखकर। ये मेरी पूरी फैमिली इकट्ठा होकर, मैंने पहले भी बताया था, पूरी की पूरी फैमिली इकट्ठा होती है जिस टाइम हम कहानी वगैरह सुनते हैं। मुझे बहुत अच्छा लगता है ये ट्रेडिशनल्स, और ट्रेडिशनल्स या किसी तरह के रीति रिवाज तभी अच्छे लगते हैं जब हमारा पूरा परिवार हमारे साथ होता है, उसकी कोई रौनक मतलब अलग ही लगी होती है। और आई होप सो आपको भी यही सब लगता होगा। और क्या क्या तैयारी होती है हमारे पास, किस किस तरह से फेस्टिवल मनाया जाता है, ये भी आप देखते रहना। और ये था मेरा फाइनल लुक, आपको कैसा लगा मुझे जरूर बताइए। तो आइए मेरे ब्लॉग में। चलो अब ये ना अहोई माता जो इनकी पूजा को स्टार्ट करते हैं। यहाँ देसी घी का वो चाहिएगा दीवा, अब घी करेंगे जो की तैयारी। ये आधे सोरे आधे जहरे, और यहाँ मैंने आधी तैयारी कर दी, आलू बॉइल कर दी और आटा मैंने लगाई दिया था। अब चढ़ेगा हमारा रिफाइंड। पूजा वगैरह करके हम आ गए थे वहां से कथा करने के बाद, और यहाँ पर अब होगी हमारे शाम की तैयारी, जिसमें हमारे यहाँ पर बनता है पूरी, कचौड़ी, पूड़े, उस सब की तैयारी होगी। और यहाँ मैंने कुकर वगैरह फिर से दोबारा से साफ कर लिया है, सुबह का कुकर था जो यूज टू होता है। तो जैसा कि मैंने पहले भी कई बार बताया, ये रहता मेरे ताजे पानी की टंकी का, तो इसमें ये बड़े बड़े आलू, तो मैं क्या सोचती हूँ आधा कर करके डाल दूँ जल्दी जल्दी, और जल्दी सब हो भी जाएंगे। और आटा भिगो के रख देंगे पूड़े वगैरह बनाने के लिए, वो भी हो जाएगा जल्दी से। और कचौड़ियों की तैयारी भी करनी है, और ये सब आपको दिखाने के लिए मैं आई थी अभी। बहुत देर से सोच रही थी मैं, चलो सुनील जी आ जाए वीडियो बना देंगे। और वैसे तो सुजल वगैरह भी आ गए, वो रहा पढ़ाई कर रहा है वो अपनी, उसे कुछ काम होगा है सुजल, क्लास का काम है, तो इसीलिए फिर मैंने सोचा चलो मैं ही बना देती हूँ। और अब भी भिगोएंगे आटा, उसके लिए जो पूड़े बनेंगे ना हमारे, उसके लिए जितनी नीड है उतनी बनाएंगे। ये मैं ले लूंगी बाउल के अंदर से पूड़े वगैरह, थोड़े से लिमिटेड बनाएंगे। फिर आटा भी लगाना रहेगा मेरे को, इसमें मिला दूंगी चीनी। ये भी चीनी, मीठा सही होना चाहिए इसमें। अब सारी चीजें तैयार होगी हमारी, ये हो गया आलू का। अब चढ़ाएंगे अपनी कढ़ाई, और कढ़ाई के बाद वैसे तो ये हल्की है, हाँ रात को करवा कर नीचे लिखवा ली। इसमें रिफाइन साफ, फिर उतार देंगे सारी कचौड़ियां एक साथ। और
कुछ करेंगे माता रानी की तैयारी। ये बन रही कचौड़ी हमारी गर्मा गर्म, करारी करारी, यम्मी यम्मी। और पूड़े वगैरह ये रेड हो गए कते करारे करारे। ये पूरिया बन गई, पूरी देखो कितने कचौड़ी ये भी। और आलू टमाटर की सब्जी ये वाली तैयार हो गई, आलू टमाटर मटर। एक पूरी और डाल दूँ, दो पूरियाँ अच्छे से वो हो जाती पक जाती है। चलिए कचौड़ी वगैरह बन गई है, पूड़े वगैरह बन गए हैं, धीरे धीरे सारी चीज़ें बनाती रहूँगी। आप पूजा पे की तैयारी करूँगी माता रानी का, वहाँ पे बना रही हूँ पूरियाँ। चलो अब शाम का टाइम हो गया, हमारी और माता का व्रत खोलने के लिए, और हमारा भी व्रत खुलेगा अब। तो माता रानी के लिए जो पूरियाँ और हमारे यहाँ पे क्या होता है मस्टर्ड जलन, और ये जो ये है ना ये घी, घी की नाल लगेगी पूरी उस पर अहोई मैया पे है। और अभी पहले भोग लगा दे खाने के साथ मीठे, ये होती है ठावड़ी। ये है मेरी लुटिया जिसमें मैंने अपने चावल, हाँ करो। आज के दिन अज्ञानी पर खाना खिलाते हैं और फिर माला का भोग खाने खिलाएंगे। ये जितने भी हैं जिसने व्रत रखा उसे भी खिला देंगे, और इस तरह से इसमें डाल दें। तरह से माता रानी की थाली निकाल देंगे, और कपड़े लगते जो साज सिंगार मुझे देना होगा वो मैं अपनी नंद वगैरह को दूंगी, क्योंकि सास नहीं होती है तो नंद वगैरह को दे सकते हैं। ये मैंने इसीलिए पैसे निकाल दिए। जाएगी गाय को थाली, और अब लगाएंगे नाल। आ जाओ आ जाओ नाल, अच्छा सब ऐसे। अब लंबी वाली बना दी तारी को, चलो अब जाते हैं तारी को भोग। मेरे पूरी कल्चर और विधि विधान के साथ किया हुआ साज सिंगार और पूजा, और अहोई अष्टमी की किस तरह से विधि होती है वो सब चीज़ें, और मैया रानी जिनके भी बच्चे ना हो उनके बच्चे दे। और ये इस तरह से मेरे ब्लॉग को देखने के लिए थैंक यू सो मच। आज के ब्लॉग का करूँगी यहीं पर एंड, एंड हमेशा इसी तरह से बने रहे, लाइक शेयर सपोर्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई ऑल वीडियो।